असलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाम से तो आप वाकिफ हो ही गए होंगे, फिर भी मैं आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा करता चलूं कि दिस इज पॉडकास्ट विद अब्दुल्ला तनवीर और मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली, सर नाम ले लीजिए जरा, आप ही बता दें तो अच्छा, फहीम भाई। तो आज का व्यूअर हमारा जो टॉपिक है बीए के कोर्स रिलेट करता है, काफी ज्यादा मोरल लेसन रखता है हमारी पिछली पोइम्स की तरह, और इसके जो राइटर है उनका नाम है विलियम ब्लेक। आम हो चुकी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से नाराज हो जाता है और उसके बाद वो नाराजगी का इजहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, उसके खिलाफ बगावत करने लग जाता है, उसके खिलाफ मुनाफकत रख लेता है। और यहाँ पर एक चीज बड़ी वाजह तौर पर देखने में आई है, आप हमारे व्यूअर्स को भी गाइड कीजिएगा कि जो मैंने पोएम के अकॉर्डिंग मैंने फेम भी चीज देखी है कि वो जो शख्स अपने दोस्त से नाराज होता है, जब वो जलता है तो उसके बाग में एक जहरीला दरख्त पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बाग में जब दोस्त जाता है तो उधर से जब वो सेब उतार के खाता है, सेम लाइक स्नो वाइट वाला, आई थिंक सो सर ये चीज रिपीट हुई है, जब हम बचपन में कार्टून देखते थे स्नो वाइट के, ऐसे ही होता है कि वो सेब खाती है और वो मर जाती है, आई थिंक सो। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही उसका दोस्त जाता है सेब खाता है और फौरन उसकी डेथ हो जाती है, जिसको देख के वो शख्स बहुत ज्यादा खुश होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे फहीम भाई से, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मॉरल टॉपिक है। सबसे पहले मुझे फिल्म पे ये बताइएगा, अ पॉइजन ट्री, इसका मोरल मीनिंग क्या है? विलियम ब्लेक ने ज्यादातर जो पोइम्स लिखी है ना उनका फिगरेटिव मीनिंग ज्यादा है, उसके ज्यादा जो पोइम्स है ना वो नाम कुछ और होता है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। पॉइजन ट्री बेसिकली एक कंडेमनेशन पोइम है, इसका मतलब है कि ये ऐसी पोइम है जो इंसान बुगस रखता है उसके खिलाफ है। लाइक जो शख्स बुगस रखता होगा ना उसने अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखनी है, नफरत पालनी है, और ये नफरत बिल्कुल एक बीज की तरह होती है, ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम वो एक फिगरेटिवली कहता है कि ये बीज एक दरख्त की सूरत हाथ ले लेता है, एंड उसका जब पीक पॉइंट है ना वो उसका फल है। जब ऐसा शख्स जो किसी के खिलाफ नफरत रखता होगा ना, ये मतलब जब उसका पॉइंट एक पीक पॉइंट आ जाता है, वो किसी भी हद पे जा सकता है, चाहे वो अपने दोस्त के लिए नफरत रखता हो, चाहे अपने दुश्मन के लिए रखता हो, या किसी और रैंडम शख्स के लिए रखता हो। सर ये हमारे माशरे में काफी ज्यादा चीजें बढ़नी चुकी, अमूमन मैं तो एक चीज बहुत ज्यादा देखता हूँ मौजूदा सोसाइटी में, आप देखते हैं कि ड्रामो में काफी वजह ये चीजें दिखाई जाती हैं कि रिश्तेदारों की आपस में इस किस्म की जो वो सूरत अख्तियार कर लेते हैं, जेलसी अख्तियार कर लेते हैं, अगले को शो नहीं करते लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा सड़ रहे होते हैं, और आई थिंक सो कि मॉरल आई थिंक सो स्पिरिचुअली वो एक ऐसा दरख्त तैयार कर रहे होते हैं कि उनका मकसद यही होता है कि ये इधराए, इसका फल खाए और फिर मर जाए, दैट्स इनफ, एम आई राइट सर? यस यू आर राइट। उसमें ये होता है कि देखें जैसा मैंने आपको ये पहले बताया कि विलियम ब्लेक की पोएम जो है ज़रा फिगरेटिव पोएम्स है, उसको फिगरेटिव कहते हैं, ऐसी पोएम जिसका जो मीनिंग जो होता है ना, जो लिखा होता है, लाइक इसने कहा द पॉइजन ट्री, आप कितने ऐसे दरख्त जानते हैं जो पॉइजनस हैं, ठीक है ना, और ठीक है ना। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी के जो शख्स नफरत रखता होगा ना वो बिल्कुल ऐसे है कि वो एक दरख्त को पानी दे रहा है और वो दरख्त पॉइजनस है, ठीक है ना। अगर इस तरह यू भी सोच सकते हैं कि अगर एक सही दरख्त भी होगा ना, अगर आप उसको जहरीला पानी देंगे या कोई ऐसी चीज से पानी देंगे जो कि खराब है, ठीक है, या वो खराब कर सकती है, तो वो अच्छी खासी सही चीज भी खत्म हो जाएगी। तो इंसान का जो दिल है वो उसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, इंसान का दिल जो है, ठीक है ना, अगर इसके अंदर आप बुगस जैसी चीज रखेंगे ना तो वो बिल्कुल एक पॉइजन ट्री बन जाएगी। वो क्या होगा कि जो उसके जो मतलब उसको टच करने की कोशिश करेगा, उसके मतलब सारे दिल में घर करने की कोशिश करेगा, वो बेचारा भी उसके साथ भी कुछ बुरा हो जाएगा। और अगर वो मतलब ऐसा कुछ नहीं करता, मिसाल है कि वो शख्स खुद ही अपने अंदर वो बुगस और कीना और वो क्या कहते हैं गुस्सा रखता है, वो खुद ब खुद ही उसी के अंदर ही जल जाएगा। ये चीज है, आई थिंक सो के मतलब ये तमाम जो पोइम है इसी के अकॉर्डिंग रिलेट कर रही है। अच्छा फिर भी एक चीज हमारे व्यूवर्स को काइंडली क्लियर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि दरख्त होता है और उसमें फल लगा होता है और वो जैसे इंसान जाता है फल को खाता है और वो फिर मर जाता है। बेसिकली अगर आम इंसान इस चीज को पढ़े तो वो यही सोचेगा कि ये कैसा एक तसव्वुराती ख्याल है कि एक दरख्त लग जाता है, वो इंसान जब सोचता है उसमें जहर आ जाता है, फल में जहर आ जाता है, जैसे वो सेब खाता है वो फिर उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो इसका जरा मोरल थीम जरा काइंडली आप हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। जो इसमें डेथ का थीम है ना वो ये नहीं है कि वो आदमी लिटरली मर जाता है कि मतलब मिसाल है कि वो मर गया तो उसको दफना दिया। डेथ का थीम ये है कि वो आदमी क्या कहते हैं स्पिरिचुअली मर जाता है। इमेजिन एक शख्स अगर किसी से नफरत करता हो, उसके लिए बुगज रखता हो,
तो वो जाहिर है कि उस वो हर टाइम एक ही चीज सोचता होगा कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, ठीक है ना, उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो किसी भी हद में जा सकता है और इन दी एंड वो अपनी ही खुशियां खत्म कर देता है। सर क्या ये लाइक जो नुकसान पहुंचाने का वो सोचता है क्या सिर्फ फिजिकल होता है? जरूरी नहीं, वो किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है ना, वो इस सूरत में हो सकता है कि मैं उसको फिजिकली हार्म करूं, वो इस सूरत में हो सकता है मैं उसको इमोशनली हार्म करूं। ज्यादातर सर जो मैंने चीज देखी है बेसिकली इमोशनली हार्म करते हैं बहुत ज्यादा, इमोशनली हार्म ज्यादातर वो बातों से। बिल्कुल, यही तो चीज है। अब क्या होता है, आप किसी को इमोशनली हार्म करते हैं, वो बंदा आपसे आपकी बातों से बहुत ज्यादा उसको बुरा फील होता है, फिर इन दी एंड वही उसी के दिल में भी वो पॉइजन ट्री लग जाता है, वो फिर वो उस शख्स को जिसने उसको हार्म किया तो वो उसको भी तकलीफ देने की फिर कोशिश करता है और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। अच्छा, इस चीज से तो मैंने एक चीज बिल्कुल सीख लिया, फिर भी आप मुझे कह रहे थे कि आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको अपने गाँव की सैर भी कराऊंगा और वहां से आपको सेब खिलाऊंगा, तो इसके बाद से तो मेरी तौबा, मैं कभी आपके साथ जाकर सेब खाऊं, पता चले वो भी पॉइजन ट्री का सेब हो, जहरीला सेब हो, मैं भी खाऊं और मैं भी मतलब उस टाइम स्टेट लेटा हूं और उधर पास तो एम्बुलेंस भी नहीं आएगी आपके गांव के, ऐसे ही है सर, मैं कभी भी ऐसा सेब नहीं खाऊंगा, व्यूअर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, मिठाई खिला दूंगा, मेरी तौबा। फेम भाई जैसे मैंने ये पॉइजन ट्री की जगह अब पॉइजन स्वीट हो सकता है, ना ना अस्तगफिरुल्लाह, फेम भाई मैंने तो यकीन करें तौबा रखी, आपको क्या चीज पसंद है? समोसा भी नहीं खाऊंगा। आपको क्या चीज पसंद है खाने? मैंने आपसे कुछ भी नहीं खाना। जैसे मेरी तौबा, मैं कभी आपसे, आपको बर्गर पसंद है ना? अस्तगफिरुल्लाह सर कुछ भी नहीं, तो ठीक है, आज से द पॉइजन बर्गर, ठीक है, ये आई थिंक सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो बिल्कुल व्यूअर्स आपने देखा, फहीम भाई ने हमें पॉइजन ट्री के अकॉर्डिंग बताया और थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे कोशिश की कि अपने पॉइजन ट्री में लेकर जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने इसे मोरल लेसन हासिल कर लिया है। तो फिर भी ये अब आपकी सिर्फ ख्वाहिश होगी, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग मजीद मालूमात चाहते हैं तो हमारे नोट्स अवेलेबल हैं जो कि दिए हुए कॉन्टेक्ट से आप ले सकते हैं। प्रोफेसर तनवीर साहब ने 34 साल तजर्बे के बाद इन चीजों को बनाया है जिससे आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां पैदा हो चुकी हैं, और वन एंड ओनली सर हर टॉपिक का एक ही जवाब है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, ना कि सिर्फ आप पास करेंगे बल्कि अच्छे नंबर से भी इंशाल्लाह ताला सक्सेस। तो इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।